हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया करने। जब भी हम पूरी बनाते हैं, हमारी पूरी तेल पी जाती है, फिर उसमें ऑयल देखकर घर के लोग खाना बंद कर देते हैं और हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो चलो, मैं आज बनाती हूँ पूरी, वो भी पानी में बिना ऑयल के। आज पूरी बनाना सिखाऊंगी, चलो बताती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमेशा की तरह वुमेन्स को मोटिवेट करेंगे। तुम महिलाएं नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही हो, जहां हर सपना हकीकत में बदल रहा है। आगे बढ़ो और अपनी महक को हर कदम पर छोड़ो। तो पूरी के लिए नॉर्मल आटा ले लेंगे। 1 कप मैंने आटा लिया है और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। और उसके बाद हम डालेंगे दही। दही क्यों डाल रहे हैं, मैं इसे आपको बाद में बताऊंगी कि इसका राज क्या है डालने में। मैं यहाँ पिसी हुई 1 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अब पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से फुली फुली बनती है। आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से ढककर रख लेंगे। इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट हुए और ये पूरी का आटा देखिए आप कैसा हो चुका है। तो अब बारी है हमें पूरी को अच्छे से बेलने की। थोड़ा सा मैं और गूंद रही हूँ। दोस्तों, आटे को अच्छे से गूंदने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ पेड़े, जो कि छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए, जैसे हम पूरी के बनाते हैं हमेशा, उस तरीके से आप बना लीजिए। देखिए आपका आटा कितना सॉफ्ट है। तो इस तरीके से आप पेड़े बना लीजिए और अब हम इस पेड़े को बेल लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा चुकी हूँ और इसे अच्छे से बेल लूँगी, जैसे हम पूरी का शेप लेते हैं उसी तरीके से, लेकिन थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पूरी को इस तरीके से थिक रखिए, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से बनाइए। तो चलिए बनाते हैं पूरी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसके अंदर हम पानी डालेंगे और पानी बॉइलिंग होना चाहिए, जैसे मेरी कढ़ाई में आया है। और उसके बाद हम इस पूरी को उसी में डाल लेंगे। और डालने के बाद जैसे ये 1 से 1.5 मिनट में ऊपर फ्लोट करने लगेगी और उसको हम हल्के से थोड़ा सा प्रेस करके उसे 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। तो दोस्तों, पूरी यहाँ पानी में अच्छे से पक चुकी है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और जितना भी पानी है वो इसमें कढ़ाई में ही डाल दूंगी। तो मैं यहाँ प्लेट में अपनी पूरी निकाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी है। ऐसे ही करके मैं दूसरी पूरी भी इसमें डाल लूँगी और अच्छे से पका लूँगी। इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक पका लूँगी। आप एक एक करके ऐसे ही पका कर प्लेट में निकाल लीजिए। तो दोस्तों, अब हमें करना है स्टीम, पर मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ एक जुगाड़। आपके घर में अगर स्टीमर नहीं है तो मेरे तरीके से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ फॉइल पेपर ले रही हूँ और उसमें मैं होल्स डाल रही हूँ। ऐसे ही होल्स सारे फॉइल पेपर पर डाल दीजिए बीच में, जहाँ आप पूरी रखना चाहते हैं। और हम इस तरीके से पूरी को फॉइल पेपर में डालेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगी। देखिए मैं किस तरीके से अपने पूरे फॉइल पेपर को होल्स में डाल चुकी हूँ, होल्स डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप उस फॉइल पेपर को कढ़ाई पर ही अच्छे से टाइट बांध दीजिए और उसके ऊपर आप स्टीम करने के लिए पूरी रखिए जो हमने बॉईल करके रखी है। आप बिना स्टीम के भी पूरी को एयर फ्राई कर सकते हैं और फिर आप इस तरीके से स्टीम कर कर भी आप फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको मैंने बताए हैं। तो यहाँ मेरी पूरियाँ अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब बारी है इसे एयर फ्राई करने। आप कोई भी एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं और उसे प्री हीट करिए 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, या फिर आप बिना प्री हीट के भी ऐसे भी बना सकते हैं पूरी को एयर फ्रायर में। तो इस तरीके से आप पूरी को अपने एयर फ्रायर में रखिए, जैसे मैं रख रही हूँ, और आप इसे 4 मिनट के लिए 180 डिग्री पर फ्राई कीजिए। तो देख सकते हैं आप, मेरी 4 मिनट के बाद पूरी फुलके बन चुकी है और ये बहुत ही हॉट थी, मैं इसे पकड़ नहीं सक रही थी, लेकिन ये बहुत ही आसानी से सिर्फ 4 मिनट में आपकी पूरी बनके रेडी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं दोनों साइड भी बहुत अच्छा कलर आया है। तो इस तरीके से आप आसानी से पूरी बना सकते हैं।
जो हमने दही डाला था आटे में वो इसलिए डालते हैं ताकि आपकी पूरी बहुत सॉफ्ट बनती है और साथ ही में आपकी पूरी बहुत फ्लफी होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ पूरी कितनी नरम हुई है, मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट हुई है और बहुत ही गर्म थी, मैं इसे तोड़ नहीं सक रही थी। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत अंदर से अच्छी बनी है और बाहर से भी बहुत सॉफ्ट है और ये फ्लफी भी होती है। तो इस तरीके की पूरी आप डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। ये बिना ऑयल के पूरी है, जो कि आपका जब भी दिल करे आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करें।